जो यमों को अभ्यास करेगा तो उसके बाद अभ्यास में प्रतिष्ठित हो गया, अभ्यास स्थित हो गया, ये कैसे मालूम होगा? उसके लिए कुछ लक्षण होना चाहिए। तो ये लक्षण क्या क्या हो सकते हैं तब तक में प्रतिष्ठित होने से क्या लक्षण आ सकता है, इसके सूचना रूप कुछ लक्षण दिया है। यद्यपि ये एक एक स्वतंत्र रूप से नहीं रहते हैं, इनका अभ्यास परस्पर आश्रित होकर के सम्मिलित होकर के ही होता है। कोई भी एक यम को पूरा सिद्ध करने के लिए अन्य के भी आश्रय चाहिए, तो भी एक एक में प्रतिष्ठित होने से उसका विशेष फल भी होता है। सबसे पहले जब अभ्यास शुरू करेगा तो उसमें विदर्क आने पर प्रतिपक्ष भावन अत्यावश्यक होता है। तो ठीक से प्रतिपक्ष भावना कर सकते हैं तब यमों का पालन सही प्रकार से होगा, और उसको पहचानने के लिए कि विदर्क कैसे आ रहे हैं और किस विदर्क को कैसे रोका जा सकता है, इसके लिए भी एक क्रम बताया, एक उपाय बताया कि विदर्काः हिंसादयः, और ये हिंसादि विदर्क है, ये कैसे हैं? तो बोला कृतकारिता अनुमोदिता, ये तीन प्रकार के होते हैं। क्योंकि कई बार हम स्वयं नहीं करते हैं, दूसरे से करा करके हम ये सोच लेते हैं कि हमने नहीं किया तो हमको वो पाप नहीं लगेगा, उसका दोषी हम नहीं हैं, तो जानबूझ के दूसरे से कराते पाप उसको लगे ऐसा। किंतु भगवान इतना अंधा तो नहीं है, उनको दिखाई पड़ता है कौन कर रहा है कौन करा रहा है, वो तो आप अपने संतुष्टि के लिए सोच लेते हैं। इसलिए इन्होंने तीनों को लिया, कृत कारिता अनुमोदिता। कोई भी प्रवृत्ति में इन तीन विभाग से अतिरिक्त हो नहीं सकता है, तीनों ही हो सकता है, या तो स्वयं करेंगे या किसी से कराएंगे और या तो फिर अच्छा है बोलेंगे, जो हो गया ठीक है ऐसा बोलेंगे। तो ये अनुमोदन हो गया। ये अच्छा बोलने में भी अलग अलग स्तर होता है, तो उसको भी उन्होंने छोड़ा नहीं। यदि आपने अच्छा है करके भी बोल दिया, यदि स्वयं आप नहीं किया तो भी परिणाम फल आपके पास आएगा, मात्रा में कम हो सकता है किंतु आएगा जरूर। और फिर कहा लोभ क्रोध मोह पूर्वका, फिर वो भी इन तीनों कारण से हो सकता है। कभी कभी हम लोभ से जब करते हैं तो सोच लेते हैं ये हमारे आवश्यक हो गया इसलिए करना पड़ा, वो लोभ से होता है। क्रोध से करते हैं कि उसको ऐसा करना ही था, नहीं तो क्या करता, इसलिए हम क्रोध से करते हैं। और मोह से करते हैं, पता नहीं ये सही क्या है गलत क्या है, ये करते हैं, ये सामान्य लोग मोह से करते हैं। बाकी जानने वाले ये दो कारण बोल देंगे, या तो लोभ के कारण या क्रोध के कारण। तो ये भी सहन करने योग्य नहीं, ये भी आप करेंगे तो उसका भी फल होगा, हिंसा आदि उसमें प्राप्त नहीं है, हिंसा आदि का फल नहीं मिलेगा, तो अहिंसा आदि यम का पालन बाधित हो जाए। और उसके बाद कहा कि इसके भी मात्राएं हैं, तो मृदु मध्य अधिमात्र, तीन स्तर का भी इसको किया, मतलब वो पूरे तरह
उसके पालन में आपको ले जाना चाहता है, इसलिए विभाग करके दिखा रहा है। तो आप कोई भी कार्य करते समय ये इन विभागों के संबंध कर सकते हैं कि ये कृत है या लोभ मोह क्रोध प्रेरित है, इसमें मृदु है कि मध्य है कि अधिमात्र है, ठीक आप पहचान सकते हो उसको। तो ये होने पर क्या सोचना चाहिए, दुख अज्ञान आनंद भला इति प्रतिपक्ष भावन। प्रतिपक्ष भावन का स्वरूप तो इतना ही है, दुख अज्ञान आनंद भला। कोई भी करते हैं ये मृदु से मृदुतर हो तो भी उससे दुख अवश्य होगा, और अज्ञान का, अज्ञान माने सारे पंच क्लेश उसमें सम्मिलित है, तो पंच क्लेश का वो कारण बनेगा। और वो कितने प्रकार है इसमें सारे, उसकी सूक्ष्मता तक जाना अति कठिन है, बहुत विशाल है वो, इसलिए अनंत भला किस प्रकार कैसे क्या किया इसका पूरा हिसाब करना मुश्किल है, अनंत फल तक भी जा सकता है। क्योंकि यदि ऐसा कोई कर्म आपका हो गया जिसका अदृष्ट जन्म वेदनीय में अनियत विभाग है, अनियत विभाग में एक कहा गया था, अनियत विभाग का तीन अवस्थाएं बताई, उसमें एक कहा गया था जो अत्यंत दुर्बल है, अत्यंत दुर्बल होने पर वो पड़ा रहेगा। तो इसीलिए ये सब ऐसे स्थिति होने से, इससे मुक्त होने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, आपको साधन को और तीव्र करना पड़ेगा, इन सब विचार करने पर आपका साधन तीव्र होगा, यही इसका फल है। क्योंकि साधन करके ज्ञान प्राप्त किए बिना, विवेक प्राप्त किए बिना इनसे निवृत्त होना असंभव है, इसलिए इसके लिए प्रवृत्त हो जाएंगे। ये प्रतिपक्ष भावन यमा और नियमा आदि के पालन के लिए अत्यावश्यक है, इसलिए उन्होंने इसको कहा। प्रतिपक्ष भावन से ही वो संरक्षित होकर के आगे चल सकता है, तब ऐसा आप पालन करते हुए उसमें स्थित हो जाएंगे कालांतर में, तब क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ेगा। इसमें ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाया वीर लाभ तक हो गया था, अब यम में जो अंतिम है अपरिग्रह, किसी चीज का परिग्रह करते समय, ग्रहण करते समय सोच लेना चाहिए कि ये वस्तु हमारे पास आने पर हम इसको कितना इस्तेमाल करेंगे, ये कितने हमारे लिए उपयोगी है, और ये आवश्यक है कि अत्यावश्यक है या अनावश्यक है। बहुत सारे चीज हम साल में एक या दो बार इस्तेमाल करते हैं, किंतु साल भर इसको संभाल करके रखते हैं। ये आवश्यक तो है किंतु अत्यावश्यक नहीं। आपके पास उतने ही चीज रहना चाहिए जो अत्यावश्यक हो, आपके जीवन चलाने के लिए अत्यावश्यक हो वही रहना चाहिए, अनावश्यक तो रहना ही नहीं चाहिए। और जो आवश्यक होगा वो भी तुलना करके देखना है, कितने बार आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये साल में एक बार कोई चीज इस्तेमाल करते हैं तो वो उसके लिए आप पूरे साल भर उसको संभाल के रखने की जरूरत नहीं, वो आपका होने की जरूरत नहीं, इसमें ममत्व करके उसको अपनी बार संभाल के रखे ऐसे आवश्यक नहीं। कभी कोई चीज आप इस्तेमाल करते हैं तो वो हमेशा हमारे पास होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे चीज ऐसे ही है, हम कभी गाड़ी में इधर उधर यात्रा करते हैं, यात्रा करने के लिए गाड़ी की आवश्यकता होती है, गाड़ी होने से यात्रा बढ़िया हो जाती है। इसका यह मतलब नहीं सारे गाड़ी आप अपने पास खरीद के रखें, जहां जहां यात्रा करना है गाड़ी अपने पास रखे ऐसा नहीं होता। तो ऐसे ही सोचना है कि जिससे हमारे जीवन का प्रतिदिन का उपयोग अत्यावश्यक उपयोगों में है उतना रखें, और दूसरा यदि रखेंगे तो उसके साथ आपका संग होगा। उस दिन हम दृष्टांत बताया था, वो संग होने से संग संबंधी वृत्ति बनेगी, वृत्ति के बिना वो संरक्षित नहीं होता है। आप सोचते हैं वो कमरे में पड़े रहता है, ऐसा सोचते हैं,
क्या हो गया उससे, किंतु कमरे में पड़े रहने मात्र बात नहीं होती है, वो आपके संज्ञान में रहता है, तो वो भी एक प्रकार का बंधन ही है, वृत्ति ही है, और उसके साथ आपका ममत्व संबंध होता है, और उसमें कोई क्षति आ गई, उसमें कोई कमी आ गया, तो वो भी आपको परेशान करता है। तो ये तो हो रहा है, तो सबका अनुभव है। इसीलिए परिग्रह में इस प्रकार के अनेक दोष होते हैं, तो परिग्रह नहीं करना चाहिए। और दूसरे का ग्रहण करना तो पहले ही बोल दिया, दूसरे का ग्रहण करना तो वो स्थेय में रहता है, तो वो तो नहीं चाहिए। परिग्रह में भी जो आपको आवश्यक है इतना रखें, क्योंकि ये वृत्ति आगे कर्म के लिए बंधन का कारण बनेगा। और ये कर्म का बंधन का कारण का मतलब ममत्व ही है। आप गीता आदि से जानते हैं कि संग ही उसका बंधन का कारण होता है, जो संग करता है उससे वो बंधन कहा जाता है। तो संग से मुक्त होना, ममत्व से मुक्त होना ही बंधन से मुक्ति है। और आपने परिग्रह में बाह्य विषयों का परिग्रह किया, और ये शरीर को भी इस संग ममत्व के कारण ही परिग्रह करके रखा है। जन्म जन्मों में ये शरीर के साथ आपका संग हो गया था, ममत्व हो गया था, इसलिए ये परिग्रहित हो रखा है। सांख्य इस सिद्धांत से पूरे कर्म सिद्धांत को बोलते हैं कि कर्म उत्पन्न होने का कारण भी आपके मन में है, जन्म उत्पन्न होने का कारण भी आपके मन में है, खाली इतना ही नहीं, ये सारे प्रपंच उत्पन्न होने का कारण भी आपके मन में ही है। क्योंकि आपने वृत्ति बनाई, आपने विषय संकल्प किया, आपको विषय देने के लिए यह प्रपंच खड़ा हो गया, उसके परिणाम रूप से खड़ा हो गया। इनके कर्म की प्रक्रिया ये है। वेदांत इसको और कुछ प्रकार से बोलता है, संकल्प से सब कुछ होता है, स्वप्न आदि की समान आप संकल्प करते हैं, मन से होता है इत्यादि दूसरे प्रकार से बोलते हैं, किंतु इनके प्रक्रिया प्रकृति के साथ मिल करके हैं, और ये आगे इसको बताएंगे कर्म से कैसे ये परिणत होता है। इसीलिए परिग्रह करने पर ये आपको आगे जन्म लेने तक के लिए कारण बन सकता है। खाली एक चीज का भी परिग्रह ऐसा होता है, क्यों बनता है? क्योंकि उसके साथ आप ममत्व करते हैं। ममत्व करना ही सारे कर्म का मूल है। आसक्ति आसंग जिसको कहते हैं वही कर्म का मूल है, तो वही कर्म का मूल है तो उसी से हो रहा है। जिस कर्म के साथ आप आसक्ति नहीं करते, संग नहीं करते, उस कर्म को आपका नहीं कहा जा सकता है, उस कर्म का फल आप में नहीं आता है। इस दृष्टि से आप देखिए, एक अपरिग्रह, केवल अपरिग्रह मात्र का फल महर्षि कहां तक ले जाते हैं कि बोलते हैं कि अपरिग्रह यदि आपका सिद्ध हो गया तो आपको बाह्य विषयों के साथ संग भी छूट सकता है, और उससे कर्म भी निवृत्त हो सकता है, और आपने अभी जो शरीर लिया है ये भी आप परिग्रह के कारण किया है ये आपको मालूम हो जाएगा, आपका मन जो काम कर रहा है ये भी परिग्रह से हो रहा है, ये सारे चीज का ज्ञान आपको साफ साफ हो जाएगा। तब ये शरीर मन आदि जितने संस्कार है सब कुछ आपका विषय बनेगा, आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, आपका साफ साफ दिखाई पड़ेगा कि मैं किस कर्म का किस संग के कारण इस जन्म में ये स्थिति में आ गया, और मेरा अभी क्या क्या संग का कारण बचा हुआ है, क्योंकि अभी की प्रवृत्ति से बहुत सारे भी मालूम होता है पीछे का आगे का, और मैं आगे क्या करने वाला हूं, क्योंकि ये सारे मन में निहित है। मन के वृत्ति के साथ वृत्ति सारूप्य होकर के तादाद में होने के कारण ही आप वृत्तियों का स्वरूप को, वृत्तियों के आगे पीछे का संबंध को नहीं जान पा रहे। आप विषय के आकार में ही मन को लगा रखा है, विषय के आगे पीछे सोचते नहीं। इसके लिए हमने कई दृष्टांत दिया। आप वस्त्र देखते समय वस्त्र ही इसको समझते हैं, ना आप उस समय इसका धागा का याद रखते हैं, ना उसका तंतु का याद रखते हैं, ना ये बनाने वाले को याद रखते हैं, ना ये आगे इसको क्या होगा ये याद रखते, खाली आप ये कपड़ा मेरा है मैं अभी इस्तेमाल कर रहा, इतने ध्यान मरी आप पूरे कार्य करते। ऐसे स्थिति में कपड़े का आगे पीछे का ध्यान आपको होना संभव नहीं, क्योंकि वो कपड़े का आकार मात्र में आप स्थित है।
तो अपरिग्रह होने पर यह ममत्व छूट जाता है, आप उस विषय के साथ आसक्ति से अलग हो जाएगा तो उस विषय का स्वरूप आपको मालूम हो जाएगा, विषय वही रहेगा, विषय में बदलाव नहीं होगा किंतु विषय का आगे पीछे का संबंध में विचार करने में आप स्वतंत्र हो जाएगा और वो विषय अपने आगे पीछे का संबंध दिखा दे। ये मन की वृत्ति को बाह्य विषय को लेकर समझना सरल है, ये मन के वृत्ति को लेकर के भी ऐसा है। ये कहते हैं कोई भी मन के वृत्ति स्वतंत्र नहीं है, मन में वृत्ति आती है पूर्व और पर से संबंध करके, इसको अध्व परिमाण आगे बोलेंगे, इसको वर्तमान की बात करते समय भी हमने ये बोला था कि वर्तमान माने भूत भविष्य से संबंध करके ही होता है। कोई वृत्ति आपके मन में आ रहा है तो उसको भूत भविष्य के साथ संबंध है, तो वृत्ति के वर्तमान स्वरूप में यदि आप आसक्त हो गया, उस वृत्ति का वर्तमान विषय में आप आसक्त हो गया तो आपको फिर आगे पीछे दिखाई नहीं पड़ेगा। यदि आप उस वृत्ति को असंग होकर के देखते हैं जानते हैं तो उस वृत्ति का आगे पीछे का कनेक्शन भी आपको मालूम हो जाए, तो वो ममत्व करने ममत्व से मुक्त होने का, इसी आधार पर भगवान कर्मयोग का विधान करते हैं। उसमें से आप ममत्व हटा दो तो कर्म अपने गति से होते रहेंगे और वो अपने गति से फल देते रहेंगे। आप उसके ममत्व रख करके आप उस फल को अपना मान लेते हैं, वो अपना संबंध करते हैं उसके साथ, आपको फिर उसके कारण जन्म लेना पड़ता है। कर्म भले होते रहे तो कुछ का उससे दोष नहीं, भले होते रहे, किंतु वो यदि संग करेगा तो उसका फल आता है, जो संग करता है उसको ही फल आता है, बाकी तो वो अपने प्रकृति प्रकृति क्रियमाणानी, ये कहा प्रकृति के द्वारा क्रियमाण है, वो चलता ही रहता, सदा चलता रहता है, उसका फल भी उसी के परिणाम के अंदर आता रहेगा। इसके लिए आपको ममत्व करने की आवश्यकता नहीं, ये विवेकी सोच सकता है। इसीलिए इनको ये अपरिग्रह के इतने मतलब स्थूल दृष्टि से अपरिग्रह तो ग्रहण कम करना है, उसको यदि अभ्यास करेंगे तो आप कहाँ तक पहुँचेंगे इससे प्राप्ति वो बता रहे, पूरे उसके आपके मन का पूरा स्वभाव मालूम हो जाएगा। क्योंकि ये जो यम नियम ये कह रहे हैं सबका फल वो अंदर तक ले जा रहे हैं, उसकी सूक्ष्मतम स्थिति तक ले जाके दिखा रहे हैं। जैसे शौच का भी बता दिया, शौच का भी आने वाला है तो कहां तक ले जाएगा, पूरे अंदर आत्मा के स्थिति तक वो जो छोटे प्रवृत्ति आप कर रहे हैं वो ले जा रहा है। इसीलिए आप सही करते समय गलत करते समय उससे पुण्य पाप कैसे होता है इसके थियोरी को आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप जिसको बहुत छोटा समझ रहे हैं छोटा नहीं होता है, उसका असर पूरे आपके मन के साथ, पूरे शरीर के साथ और पूरे जन्म के साथ और ये भौतिक के साथ भी होता है, सारे पंचभूतों के साथ होता है। आप केवल एक क्रिया कर रहे, छोटी सी क्रिया कर रहे, तो एक तरंग भी आपके तरफ से उठ रहा है, एक तरंग भी बन रहा है, तो आजकल विज्ञान भी कहते हैं वो तरंग भी नष्ट नहीं होता। वो कहते हैं कि इतने साल पहले विवेकानंद स्वामी जी ने जो लेक्चर दिया है, भाषण दिया, उसके जो तरंग वहां से निकले हैं वो अभी भी है बोलता है। वो तरंग को यदि खोजा जा सकता है, उसके लिए कोई मिशन ला सकता है, तो वो शब्द का तरंग अभी भी प्राप्त हो सकता है, वो तरंगित होकर के चलता ही जा रहा है, हमको तो दिखाई नहीं पड़ता। तो ये तो आजकल उन्होंने प्रूव कर दिया, ये नष्ट होना, यहां तक शब्द का तरंग भी नष्ट नहीं होता, बाकी तो कहां बताओ नष्ट होगा, और कोई नष्ट होने की बात नहीं। तो ये तो इन्होंने पहले ही समझ लिया कि इतने आप कम करने पर भी उसका भी फल होता है। इसलिए अपरिग्रह स्थैर्य में क्या है, जन्म का आगे पीछे का ज्ञान, आपका जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहां से हुआ, आगे क्या होने वाला है, ये सब आप एक वृत्ति को ध्यान करते हुए पकड़ सकते हैं, क्योंकि वो वृत्ति का संबंध पूरे आपके संस्कार के साथ है, संस्कार से ही वो मूल लेकर के अभी दिखाई पड़ रहा है। अपरिग्रह स्थैर्ये जन्म कथं था संबोधः, अपरिग्रह के स्थैर्य स्थिरता भाव होने पर, पहले प्रतिष्ठा कहा था यही स्थिर है,
अपरिग्रह स्थिर हो जाने पर, मर उसमें प्रतिष्ठित होने पर जन्म कथंता संबोध, जन्म की कथंता का ज्ञान होगा। कथंता माने कैसे, किस प्रकार, कहां से, इसका ज्ञान होगा। जन्म, जन्म का जो संबंध पूर्वादि से है उसका ज्ञान होगा। तो संबोध, ये संबोध का अर्थ सम्यक प्रकार का बोध, साक्षात्कार, वो आपको दिखाई पड़ेगा कि जन्म कैसा हुआ, ये दिखाई पड़ेगा। क्योंकि वो जन्म संबंधी जो भी कार्य हो रहा है, वो वृत्ति सहित हो रहे हैं, वो वृत्ति जो है पूर्वापर संबंध से है, और वृत्ति को नहीं जानने के कारण, नहीं जानने का कारण आपका उसके साथ ममत्व है, शरीर आदि के साथ ममत्व है। तो शरीर आदि के साथ ममत्व करने वाले और मन के साथ ममत्व करने वाले कभी भी उसका स्वरूप को नहीं जान सकते, क्योंकि वहां वृत्ति सारूप्य रहता है। वृत्ति सारूप्य रहने से उसका विवेचन आप नहीं कर पाते। तो विवेचन करने के लिए वृत्ति से अलग होना पड़ता है, तब वो विवेचन कर पाता है। तो वो विवेचनात्मक संबंध मान संबोध हो जाएगा, मतलब विवेचन हो जाएगा, सम्यक प्रकार से ज्ञान होगा। भाष्य में कहते हैं अस्य भवति, ये जोड़ देना चाहिए कि अपरिग्रह स्थैर्य जिसको हो गया उसको जन्म कथंता संबोध हो जाता है। इसलिए कोई व्यक्ति का कोई भी छोटा आचरण देकर के भी आप समझ सकते हैं इसका संस्कार कितना, कहां से क्या है, छोटा सा आचरण से भी समझ सकते हैं। यदि उस प्रकार आप सोचेंगे, कोई एक शब्द उच्चारण करता है, कोई विशेष स्थिति में कोई शब्द उच्चारण करता है, कभी कभी लोग बोलते हैं मेरा शब्द फिसल गया, गलती हो गई, ये बोलता है। और ऐसे बार बार जो ऐसा बोलता है ना, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, तो ये आदमी को संभालना चाहिए, क्योंकि ऐसी गलती बार बार हो रही है इसका मतलब उसका बहुत कुछ गलत है। बार बार जिसको सॉरी बोलना पड़ता है वो सही नहीं होता। सॉरी तब बोला जाता है ऐसे परिस्थिति में, वो जितना कम से कम आपको सॉरी बोलना पड़े उतना आपका मन स्थिर है और मन आगे पीछे सोच रहा है। लोग तो बहुत आसानी से बोलते थे, डांगी बोलने के लिए, सॉरी बोलने के लिए आजकल कोई सोचता नहीं। किंतु ये सॉरी बोलना, एक एक बार जो सॉरी आप बोलते हैं, ये जो है आपके मन के विक्षेप को दिखा रहा है, मन जो है कितना ग्रहण कर पा रहा है, कितना आगे पीछे सोच रहा है और कितना सीधा व्यवहार कर रहा है, ये सारे उसी से दिखाया है। इसीलिए आपको अपने जीवन में देखते रहना चाहिए कि मैं, मुझे कितना दिन में कितने बार सॉरी बोलना पड़ता है, तब आपको भी मालूम हो जाएगा ये क्यों मेरे को बोलना पड़ता है, इसका कारण क्या है। अनवधान ही उसका कारण है। सावधान होकर के कार्य नहीं करना, यही कार्य सॉरी के लिए होता है। और कभी सॉरी बोलने की अवस्था तब आती है जिससे अज्ञान से आपका कार्य हो गया, आपने जाना नहीं, सोचा नहीं, अज्ञान से हुआ, दूसरे को दूसरा समझा, हाँ ऐसा होता है। तो वो तो ठीक है क्योंकि अभी आपको उसके विषय में ज्ञान नहीं, किंतु ऐसे अज्ञान से जो कार्य हो गया उसके लिए जो सॉरी आप बोलते हैं उसमें कुछ उचित है, मतलब ठीक है, मान सकते हैं। किंतु ये आप विचार करने पर आपको, आप ऐसे गलती भी नहीं होगी, आप उससे भी बचेंगे, क्योंकि ये सारे मन ही कर रहा है। मन को यदि उस विषय में लगा दिया जाए तो मन उसको ठीक समझने के लिए उसको प्राप्ति हो जाएगी। हम तो सोचते हैं चलो भाई गलती हो गया तो भी कोई बात नहीं, सॉरी बोल देंगे, ऐसे भी कई लोग बोलते हैं, अरे करो, जो होगा होगा, देखा जाएगा, बाद में सॉरी बोल देंगे तो हो गया, सॉरी बोलने पर कोई कुछ मारता तो नहीं, ये आदत हो, ऐसे हो गया। ये बच्चों में, छोटे बच्चों में भी जो स्कूल जा रहे हैं, जो छोटे बच्चों में से लेकर के आजकल यही सिखाया जा रहा है, कुछ भी करो सॉरी बोल दो। किंतु हमें लगता है कि जीवन में कम से कम सॉरी बोलना चाहिए, साल में एक दो सॉरी भी बोलना पड़े
तो वो भी बहुत होता है। हमने एक बार ऐसे अपने आप कुछ करके देखा, 1-2 साल तक ऐसे करते रहा, देखते रहा कि कितना हमको क्षमा बोलना पड़ रहा है। तो पहले साल तो कुछ ज्यादा था, गलती भी ज्यादा हो गई, दूसरे साल जरूर वो कम हो गया। और ये हम हल्के बहुत छोटी बात समझते हैं, किंतु वो बहुत छोटी नहीं है, इसका असर बहुत अंदर होता है। इसीलिए कभी भी ऐसे कार्य को नहीं करें, क्योंकि ये हमारे संस्कृति जो बोल रहा है, हम सच्चाई से सावधान से व्यवहार करने के लिए सिखा रहे हैं। कोई भी संस्कृति ऐसा नहीं है, कोई भी शिक्षक ऐसा नहीं कहता है कि तुम काम करो और सॉरी बोलो, गलती करो सॉरी बोलो, ऐसा कोई शिक्षक सिखाता है? नहीं सिखाता। इसका मतलब क्या है? जो आपके वश में नहीं है, ऐसे स्थिति में कुछ हो गया तो उसके लिए सॉरी बोलना, किंतु सॉरी बोलने के लिए गलती करना नहीं, पहले गलती करेंगे फिर सॉरी बोलेंगे, ऐसा नहीं है। उसका अर्थ वो नहीं, लेकिन अभी उसका अर्थ ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, करना तो कुछ भी करो किंतु क्षमा मांग लो, हो जाए, ऐसा बोल दिया। ये बहुत गलत है, क्योंकि ये मन तो कभी भी सीधा नहीं हो सकता। तो इसीलिए एक विचार भी आपका ये सारे के साथ संबंध करेगा। कहने के लिए ये यही तात्पर्य है कि कोई भी विचार, कोई भी आचरण आप करता है, उसका जन्म आदि के सबके साथ संबंध है। इसीलिए उससे अलग होने के लिए उसको पहचान लेना पड़ेगा। पहचानने से ये होगा, को हम आसम, कथम अहम आसम, किम स्विदितम, ये सब ज्ञान होगा। मैं कहाँ था, कौन था, अभी मैं कहाँ हूँ, और ये मुझे जो भोग प्राप्त हो रहे हैं, ये क्यों प्राप्त हो रहा, ये भोग का कारण क्या है, और के वा भविष्यामः, आगे हम क्या बनेंगे, और कथम वा भविष्यामः, किस परिस्थिति में हम जन्म लेंगे, क्या करेंगे आगे। एवं अस्य पूर्वांध परांध मध्येषु आत्मभाव जिज्ञासा स्वरूपेण उपावर्तते एदा यमस्थैर्ये सिद्धया। यहां तक उन्होंने ले गया, केवल अपरिग्रह का यह फल यहां तक ले गया। देखिए कितना उनका मन विचार कहां से लेके कहां से जोड़ रहे हैं। ये सामान्य व्यवहार में हम इसके बारे में सोचते नहीं है, बिल्कुल हम हल्का लेते हैं, इसीलिए लोग इसको समझ नहीं पाते, ये कितने गहराई तक ले जा रहा है, इसको समझ नहीं पाते, क्योंकि सामान्य में ये कोई बात ही नहीं होती। आपने रख दिया, आपको नहीं चाहिए, फेंक दिया, बिल्कुल गलत है। आपने रखा और आपने, आपको नहीं चाहिए, फेंक दिया, बिल्कुल ये सही व्यवहार नहीं। इसलिए एक एक आचरण में आपका ये रहता है, क्योंकि ये सारे में जो वृत्तियां हो गई है वो सब आपको भोग पक्ष में ले जाने वाला हो। अनावश्यक चीज को आपने ग्रहण किया और कुछ समय आपके पास रखा, बाद में आवश्यक नहीं समझा, फिर उसको व्यर्थ कर फेंक दिया, तो वो उसका फल क्या होगा। इसीलिए परिग्रह में ये निष्ठा होने पर यहां तक की स्थिति होती है। इसीलिए साधुओं को अथवा साधकों को या धार्मिक आचरण करने वालों को शास्त्रों ने कम से कम परिग्रह करने के लिए बोला है, क्योंकि इसमें ये सारे दोष हैं। अब ये तो हो गया यम के स्थैर्य होने पर सिद्धियां, अब देखिए नियम के स्थैर्य होने पर क्या क्या सिद्धियां होते हैं। शौचात् स्वांग जुगुप्सा परे रसम सर्गः, इसके विषय में कल बताए थे विस्तार से। शौच से, शुद्धिकरण से स्वांग जुगुप्सा, अपने शरीर में, शरीर अवयवों में जुगुप्सा आएगी। तो शरीर अवयवों में जुगुप्सा आने पर शरीर के साथ जो संबंध है आपका कम हो जाएगा, और वैराग्य को दृढ़ करने में ये मदद करे। दृष्टानुश्रविगा विषय विदृष्णस्य वशीकार, जो वैराग्य है, और उसके बाद तत्परम पुरुष ख्यादे गुण वैतृष्ण, जो वैराग्य है, ये दोनों वैराग्य को प्राप्त करने के लिए ये अंग जुगुप्सा मदद करे। तो जुगुप्सा माने घृणा, जिससे आप घृणा करते हैं उससे आप संबंध नहीं करना चाहते, घृणा और असंबंध एक साथ चलता है।
व्यवहार में जिससे आप घृणा करते हैं उसके दोस्ती करना चाहता है, उसका संबंध करना चाहता है? नहीं चाहता है। और घृणा क्यों करता है? उसका दोष दर्शन से करता है। किसी में आपने दोष देखा तो उस दोष को देख करके आप उसी से घृणा किया, घृणा करने पर आप उसके साथ संबंध नहीं करते, ये आपका सामान्य व्यवहार में होता है। और जिसमें आप गुण ही गुण देख रहे हैं तो आप उसके साथ जाने अनजाने संबंध कर ही देंगे, दोष दर्शन है नहीं। तो दोष दर्शन होने से घृणा होती है, घृणा होने से संबंध टूटता है, और संबंध टूटने से आपको फायदा है, संबंध जोड़ने से फायदा है। इसीलिए जो संसर्ग का, जो संसर्ग अनादिकाल से शरीर आदि के साथ हो गया, इसको अचानक नहीं हटाया जा सकता है, क्योंकि शरीर आदि के साथ जो संसर्ग हो गया उसका कारण यही है, शरीर आदि में गुण बुद्धि हो गया। दोष दर्शन नहीं, गुण बुद्धि है, ये सही है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। मेरा शरीर जैसा सुंदर किसका नहीं, सबकी ये भावना होती। कोई जानवर भी होगा ना, वो यही सोचेगा कि मेरा जैसा सुंदर कोई और नहीं। आप जानवरों में भी देख सकते हो, वो भी ऐसा अभिमान करता, कुत्ता आदि जो होते हैं अपने शरीर के साथ उनका अभिमान रहता है, वो साफ कितना साफ करके रखते, बिल्ली जी को कितना साफ करता है, हाँ, खाना खाना, विश्राम करना और शरीर को साफ करना, वो इतना अभिमान करके साफ करते रहते, क्योंकि उसको लगता है मेरे जैसे सुंदर कोई नहीं। वो बोल नहीं पाते हैं, दिखा नहीं पाते हैं, किंतु उसको लगता है ऐसा, वही हमको भी लग रहा है। तो ये सुंदर हम समझने से इसके साथ संबंध अपने आप जुड़ेगा। आप अपने को सुंदर समझे और फिर संबंध न रखना चाहे, ये दोनों साथ चलेगा नहीं, क्योंकि गुण बुद्धि जहां होती है वहां किसी न किसी प्रकार संबंध आप जोड़ ही लेते हैं। सब कुछ अच्छा है बोलने का मतलब क्या है? उसके साथ आपकी मित्रता है, ये तो निश्चित है। सब कुछ खराब है ऐसा बोल दिया तो शत्रुता है, ये तो दिखाई पड़ता है। इसलिए बोला कि शौच करते जाने से आपको एक दिन, एक ना एक दिन ये मन में विचार आएगा, देखो ये शरीर कितना गंदा है, इसको धो धो करके हम थक गए, बीमार हो गए। तो इतना आपके पास वो बुद्धि आ जाती है तो ये बुद्धि काम की है, घृणा भाव हो जाएंगे। तो इसीलिए इसको शौच करो, शौच नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि शौच करेंगे तो ही ये बोध आ सकता है, ये गंदा है, गंदा गंदगी इसी से निकलता है, इसका अंदर भी गंदा है, बाहर भी गंदा है, पूरे गंदा ही गंदा है। इसलिए शौच इसको पवित्र कर रहा है, तो वो मतलब क्या है कि इससे आगे हमें उससे अलग होना है, इसको छोड़ देना है, ऐसे विचार मन में कभी उदय हो सकता है। इसलिए स्वांग जुगुप्सा पहले होगा। तो बोलते हैं जब स्वांग जुगुप्सा हो गया तो परैर असंसर्ग अपने आप होगा, दूसरे के साथ संबंध करना नहीं चाहेगा। तो जब अपने शरीर में ही जुगुप्सा है, अपने शरीर ही इतना गंदा है, तो दूसरे के साथ जोड़ेंगे तो और कितना गंदा होगा। दूसरे वस्तु को स्पर्श करेंगे तो उसी से गंदगी आए। तो आप स्पर्श करने का स्वभाव अपने आप रखेंगे, स्पर्श नहीं करेंगे। हमारे यहां तो जो नियम है आचार के नियम से आलिंगन आदि करना नहीं चाहिए, भारतीय संस्कृति का नहीं है ये आलिंगन की बात, हाथ हिलाने वाली बात भी संस्कृति का नहीं है, हमारे संस्कृति का नहीं है। किसी को मिला तुरंत हाथ पकड़ के हिलाया, ऐसा नहीं। हमारे संस्कृति में तो इतना बोला है बड़ों का जब पांव चूते हैं तो उनका पांव में भी स्पर्श नहीं करना, दूर से छूना। तो पांव में वही स्पर्श कर सकता है विशेष स्थिति में, कभी पाद पूजा कर रहे हैं, गुरु का कुछ सेवा कर रहे हैं, या पिता माता की सेवा कर रहे हैं, स्थिति में छू सकता है, बाकी समय में पाव तक नहीं छूना है, बाकी छूने की बात छोड़ दीजिए। और बड़ों के साथ बात करते समय दूर हो खड़े होके बात करना है, और आपके मुंह के सामने हाथ रखना, अब इधर तो दिखाई नहीं देता, वो साउथ में अभी भी दिखाई देता है। बड़ों के साथ बात करते समय मुख में ऐसा आप ये रखते हैं, कपड़ा को हाथ में रखते हैं, ये क्यों रखा जाता है?
थूक तो गिरेगा, एक अशुद्धि तो ये है। दूसरा है कि आप जब बात करते हैं तो आपके अंदर से कई कीटाणु का संक्रमण उनके अंदर हो सकता है। जो आप बात करके उनके सेवा करना चाहते हैं उससे उल्टा उनको उससे परेशानी होगी। ये कितने साल पहले उन्होंने इसको पता लगाया और ये आचरण को रखने के लिए कहा। तो ये परेर संसर्ग का लक्षण है। इसको हम जीवन में आचरण में रखा है, मतलब हमारे जो नित्य कर्म है उसके अंतर्गत इसको सब मिला के रखा है उन्होंने। अब क्यों मिलाया हमको पता नहीं है, इसलिए हम सोचते हैं ये क्या क्या दिखाना है ऐसा। तो आजकल देखिए जो विज्ञान है वो कह रहे हैं कि किसी से कोई बीमारी, ऐसे सूक्ष्म जो बीमारी है इसके द्वारा संक्रमण होता है। इसलिए कपड़ा रख करके आप बात करें, मुंह बंद करके बात करें, ये डॉक्टर लोग बंद करते क्यों, ये तो हमारे पहले समझ लिया। और कपड़ा रखने के लिए कहते हैं तो लोग सोचते हैं ये कोई गलत, ऐसे करना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं दिखता। और झुक करके बात करने की बात करते हैं, इसमें भी अंदर है कि झुक करके बात करेंगे तो सामने जो बैठा हुआ है उसके सीधा आपके नाक से जो श्वास जाएगा वो सीधा उनके मुख पे नहीं जाएगा, वो नीचे की तरफ जाएगा। कोई नहीं बोलता ये सब, इसीलिए उसको झुकने के लिए बोल रहा। तो ऐसे सीधा आगे खड़ा होंगे तो श्वास उनके ऊपर जाएगा, श्वास के द्वारा कुछ संक्रमण हो सकता है, उनसे आप में भी आ सकता है, आपसे उनमें भी जा सकता है। इसलिए झुक करके कहेंगे तो वो श्वास इस तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, उसके सामने नहीं जाएगा। ये सब आचरण में इसलिए रखा गया है कि इससे परे असंसर्ग से जो बैठा हुआ है, संत है या विशिष्ट व्यक्ति है, उसको इस प्रकार का कोई अशुद्ध संबंध ना हो, इसलिए परे असंसर्ग हो जाएगा। बाकी अपने परिवार के साथ, बाकी इंद्रियों के विषयों के साथ और जितने भी आप जोड़ रहे हैं वो सारे परे असंसर्ग में आ जाता है। क्योंकि ये भावना जिसकी शुद्धि में आता है वो दूसरे को छूना नहीं चाहता है, वो तो स्वाभाविक होता है। दूसरा बैठे जगह वो बैठना नहीं चाहेगा क्योंकि उससे संसर्ग होता है। ये एक बोध है, कल हमने बताया था, ये बोध ही आपको उससे अलग कर रहा है, आचरण तो बाद में आ रहा है। तो ये जो साथ में रखा गया है ये आचरण के साथ मिलाया गया है क्योंकि वो हमारी सुरक्षा के लिए। ये सारे जो धार्मिक आचरण रखा गया है कोई भी दिखावे के लिए नहीं है, आप ये नहीं समझिए ये सारे दिखावे के लिए कर रहे हैं। दिखावे के लिए वही लोग बोलते हैं वो मूर्ख है, उनको जानता नहीं ये सब विषय किसके लिए रखा है, उसको इसके बारे में जानकारी नहीं, इसलिए बोल देते ये सब दिखावा है। क्या है ऐसा क्यों करना है, वो जानता नहीं क्यों रखा है, जानता नहीं। तो ये दिखावा नहीं है क्योंकि दिखावा करने का संस्कार हमारे संस्कृति में नहीं है। हमारे संस्कृति में दिखावा को बिल्कुल स्थान नहीं दिया, असलियत को स्थान दिया है, जो है आप वैसा रहो। दिखावा करने के लिए कोई नहीं कहा, जो दिखावा को कम करने के लिए कहा वो दिखावा क्यों दिखाएंगे। इसीलिए आप जो नित्य कर्म में आप करते हैं, जो विभूति लगाते हैं या जब जो भी करते हैं, सबका अपना अपना स्थान है। ये जब पता चलेगा तो आपको मालूम हो जाएगा कितने सोच के ये लोग बना के रखा है। और लोग कहते हैं ये क्या विभूति लगाने क्या दिखावा कर रहे हैं, नहीं जानने से बोलता है। तो ये जो परेर संसर्ग सिद्ध होने पर क्या होगा, आप अनावश्यक विषय के साथ संपर्क नहीं करेंगे, ये भी इससे सिद्ध हो जाएगा। तो उससे सिद्ध होने पर ये भी आगे जाकर के वैराग्य को पुष्ट करेगा, क्योंकि विषयों से पहले शरीर से असंसर्ग, परेर संसर्ग, ये परेर संसर्ग से सारे विषयों से असंसर्ग। तो देखिए अपरिग्रह के साथ ये जुड़ा हुआ है, अपरिग्रह का जो फल हो रहा है, जो प्रक्रिया हो रही है, वही यहां भी आप शौच से भी प्राप्त करेंगे। सामान्य शौच के इतने संबंध है। तब क्या कहते हैं कि काय अनभिश्वंकी यदि भवती, तो ये शरीर से आरंभ होने वाले ये शौच को आगे चलते हुए शरीर के साथ अनभिशंक करेगा, राग रहित हो जाएगा और वो यति हो जाएगा। यतनशील, यदि मने यमनशील, जो संयम करता है। और परेर संसर्ग मने काय स्वभाव अवलोगी स्वमभि कायम जिघासुः मृज्जलादिभिर्
ಆಕ್ಷಾಳಯನ್ ಅಪಿ ಕಾಯಶುದ್ಧಿಮ್ ಅವಶ್ಯನ್ ಕಥಂಬರೇರ್ ಅತ್ಯಂತಮೇವ ಅಪ್ರಯತೈ ಸಂಸೃಜ್ಯೇತ. ಜಬ್ ಇತನೆ ಬಾರ ಹಮ್ ಸ್ನಾನ ಕರ ರೇ ಇತನೆ ಸಾಫ ಕರ ರೇ ತೋ ಹಮಾರೆ ಶರೀರ ಹಿ ಶುದ್ಧ ನಹಿ ಹೋ ಪಾ ರಹಾ ಹೈ, ಬಾರ ಬಾರ ಗಂದ ಭಿ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ, ತೋ ದೂಸರೆ ಕೆ ಸಾಥ ಸಂಪರ್ಕ ಕರೆಂಗೆ ತೋ ಔರ್ ಕಿತನಾ ಹೋಗಾ. ಯೇ ಸೋಚ ಕರ್ಕೆ ವೋ ವಿಷಯೋ ಕೆ ಸಾಥ ಸಂಪರ್ಕ ಕರ್ನಾ ಭಿ ಛೋಡ್ ದೇತಾ ಹೈ. ಇಸ್ಲಿಯೇ ಯಹಾಂ ಇಂದ್ರಿಯ ಆದಿ ಕಾ ಸಾರೇ ವಿಷಯ ಸಂಸರ್ಗ ಸೆ ಛೂಟನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಯೇ ಶೌಚ ಕಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಬತಾಯ. ಯೇ ಜೋ ಪ್ರಯೋಜನ ಬತಾಯ ಯೇ ಬಾಹ್ಯ ಶೌಚ ಕಾ ಹೈ, ಔರ್ ಆಂತರಿಕ ಶೌಚ ಕೆ ಲಿಯೇ ಔರ್ ಅಲಗ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೇ ಸೂತ್ರ ಮೇ ಕಹ ರಹೇ. ಸತ್ವಶುದ್ಧಿ ಸೌಮನಸ್ಯೈಕಾಗ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಜಯ ಆತ್ಮದರ್ಶನ ಯೋಗ್ಯತ್ವಾನಿ ಚ. ಬಾಹ್ಯ ಶೌಚ ಸಿದ್ಧ ಹೋಕರ್ಕೆ ಜಬ್ ಆಪ್ ಅಂದರ್ ಕಿ ತರಫ್ ಜಾಯೆಂಗೆ ತೋ ಆಂತರಿಕ ಶೌಚ ಭಿ ಬಹುತ್ ಆಸಾನಿ ಸೆ ಸಿದ್ಧ ಹೋಗಾ. ಆಂತರಿಕ ಮಲ್ ತೋ ಪಂಚ ಕ್ಲೇಶಾದಿ ಹಿ ಹೈ, ಔರ್ ಕೋಯಿ ಮಲ್ ನಹಿ. ಸಾರೇ ಮಿಲಾಯೆಂಗೆ, ವಿಚಾರೋಂ ಕೋ ಸಾರೇ ಮಿಲಾ ಕೆ ದೇಖೆಂಗೆ, ಜಿತನೆ ಮಲ್ ಮಿಲಾ ಕೆ ದೇಖೆಂಗೆ, ಸಬ್ ರಾಗ ದ್ವೇಷ ಅಭಿನಿವೇಶ ಅವಿದ್ಯಾ ಮೇ ಸಭಿ ಅಂತರ್ಗತ ಆ ಜಾಯೆಗಾ, ಪಂಚ ಕ್ಲೇಶ ಹಿ ಹೈ. ಬೋಲ್ತಾ ಹೈ ಕಿ ನಿರಂತರ ಇಸ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಸೆ, ಬಾಹ್ಯ ಶೌಚ ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಸೆ ಆಂತರಿಕ ಶೌಚ ಭಿ ನಿರಂತರ ಹೋನೆ ಲಗೇಗಾ, ಕ್ಯೋಂಕಿ ರಾಗ ದ್ವೇಷ ಅಭಿನಿವೇಶ ಔರ್ ಅಸ್ಮಿತಾ ಆದಿ ಕಾ ವಿಷಯ ಕಮ್ ಹೋತೆ ಜಾಯೆಗಾ, ಉಸ್ಕಿ ತೀವ್ರತಾ ಕಮ್ ಹೋತಿ ಜಾಯೆಗಿ. ತಬ್ ಸತ್ವ ಶುದ್ಧಿ, ತಬ್ ಸತ್ವ ಶುದ್ಧ ಹೋಗಾ, ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧ ಹೋಗಾ. ಯಹಾಂ ದೇಖಿಯೇ ಹಮ್ ಅಂತಃಕರಣ ಕೋ ಶುದ್ಧ ಕಹತೆ ಹೈ, ಯೇ ಸತ್ವ ಶುದ್ಧಿ ಕೋ ಕಹತೆ ಹೈ. ಇಸ್ಮೇ ಭಿ ಸಾಂಗ್ಯ ಔರ್ ಅನ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಮೇ ಅಂತರ್ ಹೈ. ಹಮ್ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ ಸೆ ಕಹತೆ ಹೈ. ये तो पर्टिकुलरली बोलता है सत्व शुद्धि होगा, इसमें अंदर है, क्योंकि इनके हिसाब से, इनके हिसाब क्या हमारे हिसाब में भी वही है, जहां भी गुणों को मान करके कार्य होता है. गीता आदि में जहां रज और तम को मल कहा गया, तम कभी शुद्ध नहीं हो सकता. तम को तम के रूप में रहना ही उसकी शुद्धता. तम तो आवरणात्मक उसका स्वरूप है, आवरणात्मक रूप में ही रहेगा वो, उसको शुद्ध करने का कोई मतलब नहीं होता. वो तम जहां लगता है उसको अशुद्ध करता है. अभी देखिए धूल, धूल अपने आप में शुद्ध है क्या अशुद्ध है? हैं क्या धूल अपने आप में शुद्ध है ना, तो वो अशुद्ध कहां करता है? कहीं दूसरी जगह बैठ गया तो अशुद्ध करता है. कोई जितने भी अशुद्धि को आप देखो वो अपने आप में शुद्ध है. ये धूल का स्थान यहाँ नहीं है, धूल पड़े रहना चाहिए बाहर. वो बाहर पड़े रहे तो धूल अपने आप में ठीक है, वो धूल यदि इधर आ गया तो हम कहते हैं ये अशुद्ध हो गया. आप अपने कमरे को साफ करते हैं, किसको साफ करते हैं, क्या करते हैं, साफ करते हैं सभी नहीं, साफ करते समय आप यही करते हैं, जो उसमें अनावश्यक है उसको हटाते. सफाई का मतलब ही यही होता है, जो चीज जहां नहीं चाहिए वो चीज को वहां से हटा देना, ये सफाई होता है. ठीक है, तो ये तत्व का आपने समझा कि सफाई का मतलब ये चीज यहां नहीं होना चाहिए. अभी इस स्थान में धूल नहीं होना चाहिए, कचरा नहीं होना चाहिए, स्थान उसके लिए नहीं है, कचरा धूल के लिए नहीं है. किंतु जहां कचरा पड़ा रहना चाहिए वहां कचरा पड़े रहे तो उसको तो साफ करते नहीं, वो कचरा डालने की जगह कचरा डालते हो. इसी प्रकार तम है, तम तो सत्व के ऊपर आवृत होकर के दोष नहीं पहुंचाना चाहिए, तम को तम के स्थिति में रहना चाहिए. इसलिए तम को शुद्ध करने का मतलब नहीं है, क्योंकि वो जब सत्व के ऊपर आता है तभी हम तम सत्व को अशुद्ध बोलते. सत्व का ही शुद्धि अशुद्धि का मतलब है, तम को लेकर के नहीं. इसी प्रकार रज भी ऐसा है, रज भी अपने आप में अपने स्वरूप में वो ठीक है, वो अपने स्वरूप, उसका प्रवृत्तियात्मक दुखात्मक जो स्वरूप है वही क्रियात्मक स्वरूप है, उसी में रहता है,
वो जो है उसको कोई शुद्ध करना नहीं हो सकता। वो भी यदि सत्व के ऊपर आता है, सत्व के ऊपर हावी हो जाता है, तब उस रज को हटाना पड़ता है। वो रज को हटाने को हम सत्व की सफाई बोलते। तो सफाई तो शुद्धता तो सत्व की दृष्टि से होते हैं, न तम की दृष्टि से है न रज की दृष्टि से। इसलिए तम रज को हटा देना, तम रज के कार्य को कम करने को ही हम शुद्धता बोलते। और सत्व अपने स्वरूप में क्या है? शुद्ध है, इसमें मिलावट नहीं होता। तो इसलिए शुद्ध करने का मतलब तत्त्व को तत्त्व रूप में रखना। तो सत्व के ऊपर रज कार्य हो गया तो तम सत्व को तब अशुद्ध बोलते, सत्व के ऊपर तम कार्य हो गया तो हम उसको अशुद्ध बोलते, सत्व को सत्व के रूप में रखा तो वो शुद्ध बोलते। इसलिए यहां जो स्थान है, ये स्थान के जो असली स्वरूप है, ये सफेदी है, इसमें धागा है, जो जो दिखाई पड़ रहा है उसके उस स्वरूप में ही वो दिखाई पड़े तो हम उसको शुद्ध ही बोलते। यदि अभी वो सफेद में कुछ काला काला से लगा वो अभी है, वो भी शुद्धता के अंदर आ गया, वो काले को नहीं हटा रहे आप शुद्ध, क्योंकि क्या है वो उसका स्वरूप है, उतना आप जानता है उसका स्वरूप है। इसके ऊपर और आ गया जो यहां नहीं होना चाहिए था, वो धूल आ गया, अन्न आ गया। इसी प्रकार सत्व का स्वरूप तो शुद्ध है, जो स्वरूप में रहेगा वो शुद्ध है, और उसमें रज कर्ण का आ जाना, रज का कार्य का हो जाना, तमस का कार्य का हो जाना, उसको हम अशुद्ध कहते हैं। वास्तव में ये शुद्ध अशुद्ध की व्याख्या ही नहीं हो सकती। वस्तु का तत्त्व स्वरूप में रहना ही अपनी शुद्धता है, उसका सम्मिश्रण होना अशुद्ध है। दूध में पानी मिला दिया तो दूध अशुद्ध हो गया, दूध दूध रहा, पानी पानी रहा, तो दूध का दूध स्वरूप है और पानी का पानी। इसलिए वो आगे कह के इसी बात को कहेंगे, सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्य कैवल्यम कहेंगे। ये शुद्धि साम्य मतलब अपने अपने स्वरूप में रहना, और कुछ करना नहीं। तो इसी प्रकार सत्व शुद्धि मने, ये इसलिए सत्व शुद्धि को बोल रहे हैं, रजस तमस का कार्य सत्व में ना रहे, वो कार्य ना कर रहा हो तो सत्व शुद्धि हो गई। तो ये जितने क्लेश कहे गए हैं वो रजस तम के संबंध में। तब सत्व शुद्ध होने पर क्या है? उस सत्व का अपना स्वरूप है प्रीति। तो सौमनस्यम, मन अत्यंत शांत प्रीतियात्मक आनंदात्मक होगा, क्योंकि वो सत्व का स्वरूप है अपने आइए। जैसे शुद्ध जल है, शुद्ध स्फटिक है, अपने स्वरूप में रहते हैं तो जो होता है, इसी प्रकार सौमनस्यम, सौमनस्यम मन, मन की प्रसन्नता प्रीतियात्मक आनंद वो अपने आप उसमें प्रकट होता है। और तब क्या होगा? ऐकाग्र्यम, क्योंकि रजस तमस रूप जो मल थे वो मल के कारण विक्षेप हो रहा था, विक्षेप होने के कारण चित्त तीन स्थितियों में रहता है, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त, ये रजस तमस के कारण होता है। तो इसीलिए उसको शांत कर दिया तब एकाग्रता अपने आप हो, क्योंकि वो सत्व का स्वरूप है, सत्व स्वयं चंचल नहीं है, रज के कारण सत्व चंचल होता है। इसलिए ऐकाग्र्यम, एकाग्रता के जो भाव है ऐकाग्र्यम, एकाग्रता हो गई तो बाकी सब काम आसान हो गया। इंद्रिय जय, इंद्रिय जय स्वदा प्राप्त होता है। विषयाविनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ये भगवान ने इसी को कहा कि ये इंद्रिय अपने आप जित हो जाते। कूर्मोंगानी व सर्वस्य जो कहा, ये थोड़ा जबरदस्ती है। कूर्मोंगानी व सर्वस्य मैंने जान बूझ करके इंद्रियों को अपने तरफ रखना पड़ेगा, जिसको हमने पहले वैराग्यों में यतमान संज्ञा जो वैराग्य कहा, यतमान संज्ञा और एक इंद्रिय संज्ञा है। तो यतमान संज्ञा वैराग्य में ये कूर्मोंगानी व सर्वस्य, और रसवर्षम रसो रसवर्जम रसोप्यस्य में ये स्वभावतः विषया विनिवृत्तन्ति। तो तब कब होता है? वो एकाग्रता के स्थिति में होता है, शांत होने पर होता है। इसलिए एकाग्रता होने के बाद इंद्रिय जय सोदा होता है। जिसको एकाग्रता नहीं है तो उनको इंद्रिय जय नहीं हो सकता, एकाग्रता और इंद्रिय जय साथ साथ में ही रहते। और वो इंद्रिय जय तब होगा, एकाग्रता तब होगी जब सौमनस्य होगा, मन शांत रहेगा, रज और तम कार्य से रहित होगा। वो कब होगा? जब सत्व शुद्ध होगा। इसलिए ये पूरे पूर्व पूर्व कारण उत्तर उत्तर के प्रति है। तब आत्मदर्शन योग्यत्व,
आपका जो मन है उस स्वरूप दर्शन का योग्य बनेगा, क्योंकि सत्व शुद्धि हो गई। सत्व शुद्धि होने पर उस सत्व में ही विवेक ख्याति, विवेक ख्याति रविप्लवा हानुपाय, पहले बताए वो विवेक ख्याति तब वहां प्रकट होती अस्थिर रह सकती। इसलिए आत्मदर्शन, आत्मदर्शन मन यहाँ अन्य प्रकार के परमात्मा इत्यादि का नहीं है, आत्मदर्शन मन स्वरूप दर्शन, स्वरूप दर्शन हो जाएगा, स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। इसके लिए ये फल हो गया, ये आंतरिक मल निवारण से शौच, आंतरिक शौच का ये फल है।